अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कोइन बाय एंड सेल करना चाहते हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्री ऑनलाइन अर्निंग के वाले से अपडेट लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आपने उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। जी बाइनांस का जो एयर ड्रॉप था सेटेरी निफ्ट कुछ लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसकी माइनिंग तो अब एंड हो चुकी है। तो फिलहाल इसकी कोई डेट नहीं आई, कन्फर्म डेट कुछ भी नहीं आई कि इसने कब लिस्ट होना है। तो लिस्ट होने से पहले कुछ अहम चीज़ें हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप ये वाला काम कर लें, इंशाल्लाह आपको जो रिवार्ड है वो बेहतर से बेहतर ही मिलेगा। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, नीचे ऑप्शन आ रहा है डिस्कवर का, बाइनांस ओपन करना है ना। बाइनांस ओपन करने के बाद आप लोगों ने वेब थ्री पर जाना है। वेब थ्री पर जाने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन है डिस्कवर का, आप लोगों ने यहाँ डिस्कवर पर क्लिक करना है। जैसे ही डिस्कवर पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप लोगों ने सर्चिंग बार में जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास तो हिस्ट्री में आ रहा है स्टेरी निफ्ट। अगर आप लोगों के पास भी स्टेरी निफ्ट आ रहा हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लेना है, नहीं तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने ये जो स्टेरी निफ्ट डॉट आर्ट है इस तरह लिख के आप लोगों ने सर्च करना है। अब मैं स्टेरी निफ्ट पर इस तरह क्लिक करूँगा। यहाँ मैं क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आप लोगों के पास शो होगा। यहाँ पर आप लोगों ने आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है और उसके बाद ओपन डी ऐप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह ये मैं फिर नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाएगा। तो सिंपल आप लोगों के पास अगर वैलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप लोगों ने वैलेट कनेक्ट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन है कनेक्ट वैलेट का। यहाँ मैं इस तरह कनेक्ट वैलेट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर बाइनांस वैलेट आएगा, यहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपना जो वैलेट है वो कनेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल साइन पे क्लिक करूँगा। और अगर आप लोगों ने फिंगरप्रिंट लगाया तो फिंगर लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने लगाया है जो भी पासवर्ड लगाया है तो आप अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो वैलेट है वो फ़िलहाल कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, थ्री लाइन पर जाना है हम लोगों ने। यहाँ पर इस तरह हमने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन आ रहा है अर्न का, यहाँ पर हम लोगों ने अर्न पर क्लिक करना है। अर्न पे क्लिक करने के बाद डेली स्ट्रेक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आ रहा था, ये मैं कल अपना कर चुका हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर ना आके हर 24 घंटे बाद आप लोगों ने अपना जो क्लेम है ना वो कर लेना है और इस तरह जो रिवार्ड है ना वो आप लोगों ने ले लेना है। ये कल मैंने कर लिया था और इसके अपने लेवल भी आप तो देख सकते हैं कि इसका लेवल 1 है और जब नेक्स्ट लेवल होगा तो नेक्स्ट लेवल की भी जहाँ पर प्राइस लिखी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं 215 कोइन अगर हमारे बन जाएंगे तो हमारा जो लेवल है ना वो अप हो जाएगा। और इसके बाद नीचे थोड़ा सा जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा इस तरह और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फ्री एंट्री का, यहाँ पर हम लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि आपका जो नेटवर्क है ना वो आप OPBNB वाला नेटवर्क सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये, इसको मैं अभी सेलेक्ट किया है। इसके बाद अगेन मैं नीचे जाऊंगा फ्री एंट्री पे जाने के बाद इस तरह ये हमारी थोड़ी सी जो गैस फीस है ना वो कट होगी और इसको मैं यहाँ पर कंफर्म कर लूँगा। इसके बदले में हमें पॉइंट मिलेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ, ये थोड़ा सा नेट स्लो होता है, नेट भी स्लो, और यहाँ पर देख सकते हैं मुझे 10 जो कोइन है ना वो यहाँ पर इस वक्त मिल चुके हैं। अब इसको मैं अगेन ओके पे क्लिक करूँगा और फिर अब मैं रेफ़ल नो पे दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं इस पर रेफ़ल नो पे क्लिक कर दूँगा जब तक यहाँ पर C2 मारो का ऑप्शन नहीं आ जाता, मैंने इसको कंफर्म करते रहना। इस तरह थोड़ी सी गैस फीस होती है जो पाकिस्तानी 1 रुपए की भी नहीं बनती, पैसों की बनती है, पाकिस्तानी पैसों की बनती है, वो वाली गैस फीस इसमें से थोड़ी सी कट हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन मुझे जो 15 कोइन है वो फिर से मिल चुके हैं। यहाँ पर अगेन फिर से रेफ़ल नाउ पे मैं क्लिक कर लूँगा। जब तक आप लोगों के पास ये रेफ़ल नाउ वाला ऑप्शन नहीं ख़त्म हो जाता ना, आप लोगों ने इस तरह इस पर कंटिन्यू करते रहना है और अपने पॉइंट इस तरह जमा करते रहना है। मिनिमम आई थिंक 3 बार ही आता है, कल क्योंकि मैंने इस पर ट्राई किया था तो मेरा 3 बार रेफ़ल ना हुआ था। अब भी मैं 3 बार कर चुका हूँ तो, लेकिन अब चौथी बार भी कह रहा है, अब चौथी बार भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। इसकी कोई तादाद नहीं है कि 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, क्योंकि मैंने इसकी पहले एक दोस्त की भी वीडियो देखी है तो उसने आई थिंक 6 बार किया था। तो देख लेते हैं कितनी बार होता है। अब
अब ये देखे, अब मेरा 4 बार हुआ है और ऑप्शन आ चुका है सी यू टुमारो का। इस तरह आप लोगों ने फिर कल आना है और इस तरह आपने अपने जो पॉइंट है ना वो कलेक्ट करते रहना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर पहले 85 कॉइन थे और अब ये मेरे 105 कॉइन हो चुके हैं। इस तरह आप लोगों ने अपने जो रिवार्ड है ना वो आप लोगों ने लाजमी लेना है, और ये इंशाल्लाह जब लिस्टनिंग का वक्त आएगा तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा, इसको मिस मत करें। इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आपका जो अपना ये यूट्यूब चैनल है मुमताज़ ख़ान न्याजी, इसको सब्सक्राइब करना है और साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।